अवामी तनकीद के बाद पीसीबी का यू टर्न, सलमान बट सिलेक्शन कंसल्टेंट के ओहदे से फारिग, असद शफीक जनवरी से बतौर कंसल्टेंट जिम्मेदारियां निभाएंगे। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज कहते हैं सलमान बट ने जो किया उसकी सजा उसे मिल चुकी, मेरी और सलमान की दोस्ती को गलत रंग दिया जा रहा है, माजी की बातों को खत्म होना चाहिए, कोई दबाव नहीं, मैंने ही सलमान बट का नाम तजवीज किया, मैं ही वापिस ले रहा हूं। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर नून लीग को निशाने पर लिख लिया, कहा मियां साहब वोट को इज्जत दें, बेइज्जती ना करें। मियां साहब से मुतालबा है कि अपने नसरी पर इलेक्शन लड़ें। 2018 में किसी और को फरिश्ता बनाकर पेश किया गया, 2023 में किसी और को फरिश्ता बनाया जा रहा है। जिस तरह मियां साहब का जलसा कराया गया अच्छा तासुर नहीं बना, सारी कोशिशों के बावजूद उनकी हवा नहीं बन रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की क्वेटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले हम सब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं, पीपल्स पार्टी हल पिच पर खेलना जानती है, 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में पीएमएलएन का मुखालफ वोट जो है उसको अट्रैक्ट करना चाहती है। अगर वो समझते हैं कि पीएमएलएन के साथ उनका मुकाबला है, पीएमएलएन के ऊपर तनकीद करके उन्होंने वोट हासिल करना है, तो उसकी उन्हें आज़ादी है, वो भरपूर तरीके से वो करें और अपना जोर लगाएं पूरा, उन्हें हक हासिल है। इन तीनों जमातों को मौका मिला है कि 3 सूबों के अंदर हुक्मरानी करें। मुस्लिम लीग नून फख्र के साथ कह सकती है कि उसने जो पंजाब के अंदर तरक्की की है, क्या पीपल्स पार्टी कह सकती है कि जो शक्ल उसने कराची की निकाली है वैसी वो पूरे पाकिस्तान की निकालेगी? पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग मुखालिफ वोट हासिल करना चाहती है। राणा सनाउल्ला ने कहा बिलावल समझते हैं मुस्लिम लीग नून पर तनकीद से वोट मिलेंगे तो पूरा जोर लगाएं। हसन इकबाल बोले बिलावल से गैर जिम्मेदाराना बयान की उम्मीद ना थी, क्या पीपल्स पार्टी ये कह सकती है कि जैसा कराची को बनाया वैसे पूरा पाकिस्तान बनाएंगे, 18वीं तरमीम अधूरी है, नकायश दूर करके उसे मुकम्मल करेंगे। छब्बीस साल बाद तहरीक इंसाफ में तब्दीली आ गई, पीटीआई की कमान बैरिस्टर गौहर के हवाले, नए चेयरमैन मुंतखब, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में नई क़यादत का बिला मुकाबला इंतखाब, उमर आयूब मरकजी सेक्रेटरी जनरल बन गए, यास्मीन राशिद पंजाब, अली अमीन गंडापुर केपी के सफर मुंतखब, सिंध की क़यादत हलीम आदिल शेख के हवाले, मुनीर अहमद बलोच बलोचिस्तान के सदर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्ला नियाजी ने नतज का ऐलान कर दिया। पार्टी के नए सरबराह बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी पीटीआई ही पार्टी सरबराह हैं, ओहदा उनके पास अमानत है, हमारी आधी से ज्यादा लीडरशिप जेल पे है, पार्टी किसी से झगड़ा नहीं करेगी। नहायत अहम मनसब की जिम्मेदारी सौंपने पे खान साहब का तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज यह नफूज मुंतखब होना, कल एक पैनल का फकत आना, अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की ताईद है कि खान साहब जो फैसला करते हैं वही फैसला हमारा फैसला है। फॉरेन फंडिंग सारे पॉलिटिकल पार्टीज के देखे जाए, सिर्फ पीटीआई का देखा जाए। जब आपने इस किस्म का एक फार्स इंट्रा पार्टी के नाम पे किया और जाहिर है हकायक इलेक्शन कमीशन के सामने आ जाएंगे तो बादी नजर में तो यही नजर आता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो पीटीआई के लिए हैं वो मनफी होंगे। बहरहाल फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, जो शख्स फैसला करता है वो जिम्मेदार है। पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुस्तरद कर दिए, नतज इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करने का ऐलान, कहते हैं ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में आइन की खिलाफ वर्जी हुई, वोटर्स और वोटिंग के बगैर इलेक्शन कैसे हो सकते हैं, इलेक्शन आइन के मुताबिक कराए। अकबर एस बाबर पहले ही ना अहल हो चुके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई नियाजुल्ला नियाजी के एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए। डेढ़ घंटा प्रेस रिलीज रोकी गई, 15 मिनट के अंदर सिलेक्शन हुई। पाकिस्तान के अंदर मैनिपुलेटेड, मैनेज्ड, रिग्ड, डिक्टेटेड, सिलेक्टेड इलेक्शन की अगर मिसाल देखनी है तो आज का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन उसकी तस्वीर है। ये धांधली नहीं हुई इलेक्शन में, ये धांधला हुआ है, लेकिन ये सब कुछ उस आइडियोलॉजी के तहत हो रहा है जो आज करप्शन 190 मिलियन करप्शन केस में जेल बैठा हुआ है। ये इलेक्शन नहीं, ये पुतली तमाशा था। इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई इलेक्शन को धांधली सदा करार दे दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं ये धांधली नहीं धांधला है। खौफ के बायस कारकुनान को इलेक्शन से बाहर कर दिया गया। आज पीटीआई का आरटीएस बैठ गया। सिलेक्शन का अमल सिर्फ 15 मिनट में मुकम्मल हुआ। फैसल करीम कुंडी बोले इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भरपूर धांधली हुई। बहुत से सवाल जन्म ले रहे हैं। पीटीआई को अपने लोगों की बजाय जयाला मिल गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई का हुआ जिसमें किसी को लड़ने की गुंजाइश नहीं थी। आज उनकी जमात के अपने ही लोग चेयरमैनशिप के लिए इलेक्शन लड़ना था। आज वो कह रहे थे कि हमें लिंक नहीं भेजा गया वोट का। आज वो कह रहे हैं कि हमें हमारे साथ इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भी धांधली हुई। आज भी उसको कोई नहीं मिला, एक पुराना जियाला उसको मिला जो जीए भुट्टो के नारे मारता था, उसी पे उसका गुजारा चलना था। पीटीआई ने नौजवान नस्ल को तबाह किया। यहूदी एजेंट आज मकाफाते अमल का शिकार है। यहूदी एजेंट को 15 साल पहले पहचान लिया था। एजेंट का चेहरा बेनकाब करने पर फख्र है। मौलाना फजलुर रहमान का भावलपुर में तूफानुल अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा आवाम जागीरदारों के हाथों जुल्म का शिकार हैं। आज हमारे मुल्क में अमन है ना मुआशी हालात ठीक। नवाज शरीफ और इसहाक डार भी अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। इलेक्शन के लिए टिकट किस किस को दें? नून लीग के बड़ों की बड़ी बैठक। मॉरिटॉन सेक्रेटेरिएट पे पार्लियामेंट बोर्ड का पहला इजलास। इजलास की सरबराही नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने की। मरियम नवाज और इसहाक डार की शिरकत। सरगोजा डिवीजन के 38 कॉपी और 67 सूबाई उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। पीर को रावलपिंडी डिवीजन से इंटरव्यूज किए जाएंगे। एहसन इकबाल के खिलाफ बयान देने वाले पर दानियाल असीज को शो कॉज नोटिस जारी। इजलास में नजमा हमीद और मुशाहिदुल्ला खान के लिए दुआ भी कराई गई। एमकेएम का कराची गुलशन इकबाल में पावर शो। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि सिंध के हुक्मरानों की करप्शन सिक्योरिटी रिस्क बन गई। जाबिर हुक्मरानों से आज़ादी हासिल करने का वक्त आ गया। तीन नकात मान लें, ये ना हो छह नकात आ जाएं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कराची पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। नारों से आवाम के मसाइल हल नहीं हुए। हम आवाम को हक के हुक्मरानी देना चाहते हैं। फारूक सत्तार बोले एमकेएम के अलावा कोई पाकिस्तान में स्टेटस को नहीं तोड़ सकता। साइफर केस में सदर मुमलिकत को तलब करने की इस्तदा मुस्तरद। अडियाला जेल में खसूसी अदालत के जज ने केस सुना। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को पेश किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा हमारे इस कानून के तहत ट्रायल की कोशिश की जा रही है जिसका ना सर है ना पांव। नए एक्ट से सदर मुमलिकत भी इनकारी है। सदर पाकिस्तान को अदालत बुलाकर हल्फ लिया जाए, नए एक्ट की उन्होंने मंजूरी दी या नहीं। चेयरमैन का नहीं तो मेरा केस तो अदालत में सुना जाए। दोनों केस लिंक हैं, अगर अलग नहीं हो सकते। अदालत का जवाब समाप्त 4 दिसंबर तक मुलतवी। पाक फौज चैलेंजेस से बाखबर, पूरी तवज्जो सरहदों के दिफा पर मरकूज है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं दुश्मन के मजमूम अजायम नाकाम बनाने के लिए तैयार हैं। कौम की हिमायत से दुश्मनों को शिकस्त देंगे। सिपा सलार का खैरपुर टामेवाली का दौरा। बहावलपुर कोल की फील्ड मशकों का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ को मशकों से मुतालिक ब्रीफिंग। मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दुबई में क्लाइमेट समिट से खिताब, कहा मौसमियाती तब्दीली से तरक्की पसीर ममालिक को मसाइल का सामना है। चैलेंजेस से निपटने के लिए फाइनेंस और टेक्नोलॉजी दरकार है।
हमें आइंदा नस्लों के लिए गोरा अर्ज को महफूज बनाना है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की बिल गेट्स से मुलाकात, पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे की कोशिशों में पेशरफ्त पर गुफ्तगु। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म की शामी मनसब और मालदीव के सदर से भी मुलाकात। पाकिस्तान और IMF का आइंदा माली साल के अहम अहदाफ पर उसूली इत्तफाक। वफाकी बजट का हजम 16,500 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। टैक्स वसूली के हदफ 11,000 अरब रुपए होने की तवक्को। कर्जों की अदायगी के लिए 9,500 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। मालियाती खसारे का हदफ 9,000 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। दिफाई बजट के लिए 2,100 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर फ्रॉड के मुकदमे में इश्तिहारी करार। शहजाद अकबर के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज है। सिविल जज अहमद शहजाद ने तलबी के बावजूद सलसल आदम पेशी पर इश्तिहारी करार दिया। नैब का परवेज इलाही और मोनिस इलाही के गिर्द घेरा तंग। गुजरात के ठेकों में किकबैक्स की तहकीकात मुकम्मल। नैब ने एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर कर दिया। परवेज इलाही मोनिस इलाही पर किसी मुलसिब नामजद। रेफरेंस के मुताबिक कौमी खजाने को 1,23,00,00,000 रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाया। गुजरात के लिए 116 गैर कानूनी तरक्याती स्कीम मंसूर कराई गई। मनपसंद ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाकर रिश्वत हासिल करने का इल्जाम। मोनिस इलाही के सेक्रेटरी और दो सरकारी मुलाजमीन वादा मुआफ गवाह बन गए।